मैं बीना चतुर्वेदी, आपकी हिंदी शिक्षिका, आपको एक कहानी कबूतर और चींटी सुना रही हूँ। एक नदी के किनारे एक पेड़ पर एक कबूतर रहता था। उसी पेड़ के नीचे एक चींटी भी रहती थी। एक दिन चींटी पानी में गिर गई। पेड़ पर बैठे कबूतर ने पानी में डूबती हुई चींटी को देखा तो उसने पेड़ से एक पत्ता तोड़कर नदी में डाल दिया। वह बहते हुए पत्ते पर चढ़ गई। जब पत्ता बहते बहते नदी के किनारे आ गया, तब कबूतर ने अपनी चोंच से पत्ते को पकड़कर बाहर निकाल दिया और सूखे स्थान पर रख दिया। इस तरह चींटी की जान बच गई। यदि कबूतर पत्ते को बाहर नहीं निकालता तो चींटी मर जाती। कुछ दिनों के बाद एक शिकारी वहां आया। उसने पेड़ पर बैठे कबूतर को अपनी बंदूक का निशाना बनाया। चींटी यह सब देख रही थी। उसने शिकारी के पैर में जोर से काट लिया। वह दर्द के कारण चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर वह उड़ गया। इस तरह उसने कबूतर की जान बचाई। यदि चींटी शिकारी को नहीं काटती तो कबूतर बेचारा मर जाता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। समय आने पर सभी एक दूसरे की मदद करते हैं।